नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज। रजनीकांत बस कंडक्टर से सुपरस्टार तक का सफर और अब एक नई भूमिका। दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत ने राजनीति में आने की घोषणा कर दी है। रजनीकांत के प्रति लोगों की दीवानगी पागलपन के हद तक जाती है। 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में रजनीकांत की नई पार्टी भी मैदान में होगी। अब वक्त बताएगा कि लोग उनमें केवल अभिनेता देखते हैं या नेता भी। हम आपको यहां उनके जीवन की 15 खास बातें बता रहे हैं। नंबर 1, जीजाबाई और रामोजी राव की 4 संतानों में शिवाजी राव गायकवाड़ सबसे छोटे थे। जीजाबाई ने 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु में शिवाजी राव गायकवाड़ को जन्म दिया था। यही शिवाजी राव आगे चलकर रजनीकांत बने। नंबर 2, रजनीकांत 5 साल के थे तभी उनकी मां का निधन हो गया। मां के निधन के बाद इस परिवार के लिए घर चलाना इतना आसान नहीं था। रजनीकांत ने घर चलाने के लिए कूली तक का काम किया। सुपरस्टार बनने से पहले रजनीकांत बस कंडक्टर थे। नंबर 3, रजनीकांत के दोस्त राज बहादुर ने उनके अभिनेता बनने के सपने को जिंदा रखा। बहादुर ने ही रजनीकांत को मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने के लिए कहा था। दोनों में अब भी दोस्ती है। नंबर 4, रजनीकांत ने तमिल फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री बालचंद्र की फिल्म अपूर्वा रागनगाल से मारी थी। इस फिल्म में कमल हासन और श्रीविद्या भी थीं। नंबर 5, रजनीकांत ने अपने अभिनय की शुरुआत कन्नड़ नाटकों से की थी। दुर्योधन की भूमिका में रजनीकांत काफी लोकप्रिय हुए थे। नंबर 6, कई नकारात्मक किरदारों का अभिनय करने के बाद रजनीकांत पहली बार नायक के रूप में एसपी मुथुरमन की फिल्म भुवन ओरु केल्विकुरी में दिखे थे। इस फिल्म के बाद मुथुरमन और रजनीकांत की जोड़ी खूब जमी और इन्होंने 25 फिल्मों में काम किया। नंबर 7, रजनीकांत को पहली व्यावसायिक सफलता बिल्ला फिल्म में मिली। 1978 में अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म डॉन बिल्ला की ही रीमेक थी। नंबर 8, रजनीकांत ने पहली बार मुंदरू मूगम में तिहरा रोल किया था। इस फिल्म के लिए उन्हें तमिलनाडु सरकार से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। नंबर 9, रजनीकांत एक कन्नड़ नाटक में अभिनय कर रहे थे तभी उन्हें फिल्म निर्देशक के बालचंद्र ने नोटिस किया था। नाटक देखने के बाद बालचंद्र ने रजनीकांत से तमिल सीखने के लिए कहा था। नंबर 10, टी रामा राव की फिल्म अंधा कानून रजनीकांत की पहली हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और रीना रॉय भी थीं। नंबर 11 से 1985 में सुपरस्टार रजनीकांत ने 100 फिल्में पूरी की। श्री राघवेंद्र रजनीकांत की 100वीं फिल्म थी और इसमें उन्होंने हिंदू संत राघवेंद्र स्वामी का रोल किया था। नंबर 12 से 1988 में रजनीकांत ने ब्लडस्टोन में इंग्लिश एक्शन से आगाज किया था। नंबर 13, रजनीकांत की फिल्म राजा चाइना रोजा पहली तमिल फिल्म थी जिसमें एनिमेशन भी शामिल किया गया था। नंबर 14 से 1995 में बनी फिल्म आतंक ही आतंक में रजनीकांत आमिर खान और जूही चावला के साथ दिखे। नंबर 15, तमिल, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु के साथ रजनीकांत ने भाग्य देवता नाम की एक बांग्ला फिल्म में भी अभिनय किया है। धन्यवाद।